नमस्कार। अक्सर हम प्रेगनेंसी में हर बदलाव के बारे में सुनते आए हैं कि जब औरत का जब एक एक महीना निकलता है तो हर नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसी एक चेंजेस में एक चीज आपको ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा, वो है नाभि रेखा या नाभि लाइन। तो आए दिन कोई ना कोई मुझसे पूछता है, मेरे ही सब्सक्राइबर से, कि मैम आप बताइए कि जो प्रेगनेंसी में जो लाइन बनती है, डार्क लाइन बनती है या टेढ़ी लाइन बनती है या नहीं बनती है, इसका क्या मतलब है कि क्यों बनती है? कहीं ये हमारे शिशु के लिए ख़तरनाक तो नहीं है? कहीं ये हमारे लिए तो ख़तरनाक नहीं है? तो कहीं हमारे शिशु के ग्रोथ को कम तो नहीं कर देगी? तो कहीं ऐसे भी लोगों का दावा है कि भाई अगर आपका नाभि लाइन एकदम काला और डार्क है तो लड़का ही होगा, और अगर लाइट है तो सिर्फ लड़की। तो आज इन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जो नाभि रेखा है उसको हम लीनियर निग्रा के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों होता है, ये क्यों बनती है रेखा प्रेगनेंसी के टाइम में? तो जब एक औरत पहली बार प्रेग्नेंट होती है उससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से मेलानिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। मेलानिन जो आपके बॉडी का डार्केस्ट एरिया होता है, काला एरिया होता है, वो वहाँ पाया जाता है, जैसे कि आपकी कोहनी, आपका नेक का एरिया, आपके अंडर आर्म्स, आपके प्राइवेट पार्ट, आपके निप्पल और आपके नाभि रेखा। तो ये मेलानिन की मात्रा ज़्यादा बनने से जो रेखा बनती है वो और ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो मेलानिन कहीं ना कहीं मोस्टली एक इन्वायरमेंट के ज़रिए से भी आता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो अफ्रीका के लोग होते हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी जो नाभि रेखा होती है बहुत ज़्यादा डार्क होती है, क्योंकि वहाँ मेलानिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। और वहीं आप यूएसए में देख लीजिए, ठंडा देश है, और ऐसे में वहाँ की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी जो नाभि रेखा होती है वो नाक के बराबर होती है, तो कम रेखा दिखेगी। तो ये मोस्टली डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। तो जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ मेलानिन की मात्रा ज़्यादा बनेगी, और जहाँ गर्मी कम होगी वहाँ मेलानिन या तो नहीं बनेगी या तो बनेगी भी तो बहुत कम बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि ये जो नाभि रेखा है कहीं हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए ख़तरनाक तो नहीं है? ये रेखा क्यों बनती है, क्यों, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसका सीधा सा आंसर है, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक हार्मोन चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आज हैं और डिलीवरी के बाद ये धीरे धीरे चले जाएंगे। तो ये रेखा अगर नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर डार्क और लाइट है तो भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी नाभि लाइन एकदम काली है तो मतलब लड़का ही होगा, और एकदम लाइट है तो लड़की होगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, एक अंधविश्वास है। अगर आपकी नाभि लाइन एकदम काली है तो उससे लड़का का कोई कनेक्शन नहीं है, ना लड़की का कनेक्शन है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैं आपको यहाँ पे जागरूक कर सकूँ, सतर्क कर सकूँ कि आप ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी मत जाएं। ऐसी चीज़ों को जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा है, और हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। बस आप सभी का नमस्कार।